आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। मार्ग शीर्ष मासे कृष्ण पक्षेत्र की अष्टम्याम दिन मंगलवार से मुनि आकर श्रावण श्रम का नाम जलाभिषेकम करौमि स्वाहा। का वंदन है आपका स्वागत है, वंदन करो ओम नमः शिवेभ्या, ओम नमः शिवेभ्या, ओम नमः शिवेभ्या, श्री वीतरागाय नमः, ओम नमो अर्पि भगवते श्रीमती श्री पार्वतीधनराय तौब्रसुय सर्वज्ञाय स्वयंभुये सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञाने अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय पुरुषोत्तमाय सत्य ज्ञाने स्वनेशी हरि कर श्रावक श्रावित प्रमुख चतुर संगोप सर्व विनाशताय घाती कर्म विनाशताय घाती कर्म विनाशताय अवय अस्माकम ओम श्री शांति नारायण।
राम जी जनम जनम जा जगत में समय श्री शांति ना दैवा दीपक निर्वाणते शांतिनाथ महामंडल विधान चल रहा है और मैं समझता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं उन्होंने मंदिर जी में कोई विधान किया हो ना किया हो लेकिन शांतिनाथ विधान कभी ना कभी किया जरूर होगा और नहीं तो सुना जरूर होगा क्योंकि जैनागम में तीन चीजें ऐसी हैं महामंत्र नमोकार भक्तांबर स्त्रोत्र और शांतिनाथ विधान ये तीनों प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी करता ही है बाकी बड़े बड़े विधान करता है नहीं करता अलग चीज है लेकिन ये तीन काम जरूर करता है और आज से 10 साल पहले 15 साल पहले यदि मंदिरों में सबसे ज्यादा कोई विधान होता था तो शांतिनाथ विधान ही हुआ करता था आपको पता है कि जो शांतिनाथ विधान है अभी आपने पढ़ा भी है वैसे स्थापना में प्रारंभ में कि ये शांतिनाथ विधान कब लिखा गया क्यों लिखा गया कहां पर लिखा गया तो आप सभी को बता दूं कि आपके दिल्ली के सबसे नजदीक में कौन सा सिद्ध क्षेत्र है मथुरा चौरा सबसे पास में हालांकि ये एक काल की विडंबना है कि दिल्ली के कई सारे लोग तिजारा जी हर महीने जाते हैं महावीर जी जाते हैं लेकिन मथुरा सालों में जाते हैं वो अतिशय क्षेत्र है और ये सिद्ध क्षेत्र लेकिन आजकल तो क्या है कहते हैं लोग कि हमारा नमस्कार भी वहां पर है जहां पर आप लोग क्या बोलते हैं चमत्कार को ये उल्टा है आपको बोलना चाहिए कि हे भगवान हम तो नमस्कार करेंगे और हमारे नमस्कार में इतनी शक्ति होगी कि चमत्कार अपने आप दिखेंगे आपका नमस्कार तो करिए जब एक व्यक्ति भगवान के सामने नमस्कार नहीं कर रहा था राजा ने जबरदस्ती कहा कि नमस्कार करो पिंडी को नमस्कार करो पिंडी को नमस्कार करो और उसने पिंडी को नमस्कार किया तो क्या हुआ वहां पर चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए तो क्या आपके नमस्कार में आपकी समस्याएं दूर नहीं होंगी होंगी तो क्या है चमत्कार को नमस्कार नहीं बल्कि हमारा नमस्कार इतना पावरफुल हो गए कि चमत्कार अपने आप आ जाए और ये प्रभु का चमत्कार तो है ही जो प्रातः 6 बजे इतनी ठंड में आप लोग यहां पर भगवान जी का अभिषेक पूजन कर रहे हो इससे बड़ा भगवान का चमत्कार इस पंचम काल में आपको और क्या देखने को मिलेगा कि आप यहां श्रद्धा से भक्ति से आस्था से आते तो जब मथुरा में जो सिद्ध क्षेत्र है जम्मू स्वामी जी जहां से मोक्ष गए हैं एक समय आया जैसे बीच में कोरोना नाम की बीमारी आई थी लोग त्राहीमान हो गए थे उसी समय एक दुर्भिक्षाया लोग महामारी आई लोग परेशान थे उस समय मथुरा के जो सेठ थे उन्होंने मुनियों की आज्ञा से शांति विधान को प्रारंभ किया और सबसे पहला यदि शांति विधान कहीं पर हुआ है तो वह मथुरा 84 में हुआ है इसलिए जब भी व्यक्ति मथुरा 84 जाए तो वहां पर जाकर शांति विधान जरूर करना चाहिए
जरूर करना चाहिए कि जहां से उत्पत्ति है, आप ई क्षेत्र जाते हो तो वहां क्या करते हो जाके दर्शन, और उसके बाद एक कुआं है वहां पर, लोग कहते हैं कुएं का पानी पीने से स्वस्थ रहता है आदमी, तो आदमी कुएं का पानी जरूर पीता है। कई लोग वहां पर जाते हैं तो मिट्टी लेकर आते हैं, शिखर जी आदि कहीं कहीं जाते हैं, तो जहां की जो विशेषता होती है वहां पर वह कार्य जरूर करते हो। तो जब मथुरा जी में विशेषता है कि शांति विधान वहां पर रचा गया, तो कम से कम जीवन में एक बार तो मथुरा जाकर वहां पर शांति विधान सभी को करना ही चाहिए। शांति विधान प्रथम बले में 8, दूसरे में 16, तीसरे में 32, चौथे में और पांचवे में अर्घम निरपामती स्वाहा, कि चार बले ही होते, पांचवा नहीं होता है। नहीं तो महाराज जी 8 बोल रहे तो उसका 64 वाले का बोलते 128। तो मैं आपको बता रहा था कि पहले बले में 8 अर्घ हैं, ये अष्ट प्रातिहार का वर्णन है जो पहले विधानों में बताया आपको। दूसरे बले में 16 हैं, तीसरे बले में 32 हैं, चौथे बले में 64 हैं। और जब चौथा बले आप पढ़ोगे तो जब आप 25 नंबर का श्लोक निकालोगे, 25 नंबर का श्लोक निकालोगे तो उसमें आता है नवग्रह कृत पीड़ा। संसार में लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा यदि परेशान आदमी है तो ग्रह चाल से है, और हमारे जैनागम में ग्रह चाल की व्यवस्था आज से नहीं है, शांति विधान सालों पहले लिख गया। आप मंदिर में शांति धारा करते हो, लास्ट में कहा जाता है इतेण मंत्रेण, बोलिए आगे, इतेण मंत्रेण नवग्रह, पढ़ते कि नहीं पढ़ते आप जब शांति धारा पढ़ते हो, कब से लिखी शांति धारा, कब से लिखी है? तो जो सच्चे मन से भगवान जिनेन्द्र की मंदिर में आता है उसकी ग्रह चाल अपने आप सही हो जाती है। श्रद्धा विश्वास आस्था तो रखो, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है, मैं कहीं पर प्रवचन दे रहा था, प्रवचन के बाद मैंने कहा कि जितने लोग बैठे हैं सभी को कुछ ना कुछ संकल्प करना चाहिए। तो लोग आए, एक व्यक्ति आया बोले महाराज जी मैं 1 महीने का रात्रि भोजन छोड़ता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वैसे तो रात्रि भोजन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन करते हो तो त्याग है, चाहे 1 सेकंड का त्याग क्यों ना हो। तो हमने उनको आशीर्वाद देने का प्रयास किया। इतने में वो कहता महाराज जी 1 महीने का त्याग रहेगा लेकिन 8 तारीख 13 तारीख और 17 तारीख की छूट रहेगी। 8 तारीख 13 तारीख और 17 की छूट रहेगी। मैंने कहा उसमें क्या खास है, जन्मदिन है साल? बोले नहीं, वो बोले मुझे शादी में जाना है और पहले से प्रोग्राम है मेरा, शादी में जाना है प्रोग्राम पहले से 8 तारीख 13 तारीख और 17। हम बोले कोई बात नहीं, त्याग तो कर रहा है। इतने में पता नहीं उसको क्या हुआ, 3 दिन बाद आया बोले महाराज जी मेरे भाव बदल गए, मेरे भाव बदल गए। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि 3 के 6 दिन छूट मांगने आ गया हो। मैंने कहा, वो बोले मेरे भाव बदल गए, मैंने क्या हुआ? बोले मैं अब पूरे महीने का ही त्याग करूंगा। त्याग तो त्याग होता है, बोले 27 दिन का पूरे। मैंने कहा बड़ा अच्छा आदमी है। इतने में एक पड़ोसी साथ में था, बोले अच्छा अच्छा आदमी नहीं है? तो मैंने कहा त्याग कर रहा तो अच्छा आदमी होता है। बोले नहीं, बोले ये हुआ कि परसों नरसों उसकी तबीयत खराब हो गई, परसों नरसों तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर ने कह दिया कि सोने के 6 घंटे पहले खाना खाना, 2 महीने तक जब जाकर तू स्वस्थ रहेगा। तो उसने बोला नियम ही ले लेता हूं। डॉक्टर ने कहा कि सोने के 6 घंटे पहले खाना खा लेना 2 महीने तक, तो बोले इससे अच्छा नियम ही पूरा कर लेता हूं। तो आज आप लोग क्या करते हो, डर के मारे नियम पालते हो, और जो व्यक्ति निडर होकर नियम पालता है उसके जीवन में तकलीफ आती नहीं, डर आता ही नहीं है। तो शांति विधान में नवग्रह की बात बता रहा था मैं आपको, कि हमारे यहां कहा जाता है कि यदि सोमवार को यदि आपको आराधना करना है, वैसे 2424 भगवान होते हैं, तो कौन से भगवान की जाप करो? तो जाप जब करोगे तो सबसे पहले जाएगा ओम रीम चंद्रप्रभु चंद्राय नमः। तो आप समझिए चंद्रप्रभु भगवान को विशेष लिया गया, लेकिन जब रीम कह दिया तो 24 भगवान अपने आप आ गए, ओम कह दिया तो पंच परमेश्वर अपने आप आ गए। तो सोमवार को कह दिया चंद्रप्रभु भगवान की जाप करो, मंगलवार को, कई लोग मेरे पास मंगलवार को आते हैं टीका लाल रहता है उनका, कई व्यक्ति दर्शन करने आते हैं टीका लाल रहता है। जब मैं सीपी में चौमासा कर रहा था कनॉट पैलेस में, तो कई सारे स्पेशल लोग मंगलवार को ही आते थे। तो वहां पर क्या होता है कि लोग वासुदेव भगवान की जाप करते हैं और वासुदेव भगवान का रंग भी लाल है। और बुधवार को कहते हैं तीर्थंकर की आराधना करना है, बुध ग्रह की चाल को ठीक करना, तो क्या करिए? शांतिनाथ आदि अष्ट तीर्थंकर हैं जिसमें भगवान महावीर स्वामी भी आते हैं, उनकी करिए। उसके बाद गुरु ग्रह को मजबूत करना है तो आदिनाथ भगवान आदि अष्ट तीर्थंकर की जाप करिए। शुक्र ग्रह को सही करना है तो पुष्पदंत भगवान की जाप करिए। और शनि ग्रह को सही करना है तो
सबसे तेज आवाज इसमें आई लोगों की, क्या है कि शनि ग्रह को सही करना है तो मुनि श्रुतनाथ भगवान की जाप करिए, और रवि ग्रह को पारसनाथ भगवान, पद्मप्रभु भगवान, वैसे पद्मप्रभु भगवान का होता है, और राहु ग्रह में नेमीनाथ भगवान और केतु में मल्लीनाथ और पारसनाथ भगवान। पारसनाथ भगवान जो है मल्लीनाथ भगवान, ये केतु ग्रह के हैं, चूंकि दिन सात हैं ग्रह नौ हैं, दिन सात हैं और ग्रह नौ हैं, तो क्या करें, तो नेमीनाथ भगवान की आराधना उन्होंने कह दिया शनिवार को कर लो, राहु वाले भी शनिवार को कर लेते हैं और केतु वाली रविवार को कर लो, इसलिए पारसनाथ भगवान का व्रत रविवार आदि को किया जाता है। श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर एस के जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।